और चलिए अब अगली खबर का रुख करते हैं जो कि बलिया से सामने आ रही है, जहां से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है। एक शख्स ने दो बेटों समेत पत्नी को मौत की घाट उतार दिया है। हत्या के बाद खुद उस व्यक्ति ने भी सुसाइड कर लिया है। तीनों की हत्या कर सुसाइड करने का यह पूरा मामला, जिसमें बड़ा बेटा बताया जा रहा है जिसकी उम्र 7 साल और दूसरा 4 महीने का बेटा था। दरअसल घरेलू विवाद से जुड़ी हुई ये पूरी घटना है, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अधीक्षक समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है और अब इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बांसडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के देवठी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक शख्स ने घरेलू विवाद के चलते अपने दो बेटों और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और वारदात को अंजाम देने के बाद भी खुद भी आत्महत्या कर ली। तो बलिया से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर दो बेटों समेत पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया है और हत्या के बाद खुद आरोपी ने भी आत्महत्या कर ली है। तीनों की हत्या करने के बाद सुसाइड की गई है किया गया है। और इसके साथ ही साथ ये भी बताते चले कि जिन दो बेटों की हत्या की गई उनकी उम्र 1 की 7 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे की 4 महीने, और अपनी पत्नी की भी हत्या की और उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। दरअसल ये पूरा मामला घरेलू विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है, जहां पर अब आगे की जांच पड़ताल की जा रही है। तो पूरा मामला बताया जा रहा है बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के टेपठी गांव का, जहां पर ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। और कुल मिलाकर जो प्राथमिक वजह सामने आई है, उसमें बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो बलिया से जानकारी साझा कर रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने अपने दो बेटों समेत पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों बेटों में पहले बेटे की उम्र 7 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे की 4 महीने बताई जा रही है। और इसके अलावा अपनी पत्नी को भी उसने मौत के घाट उतारा है और साथ ही इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली है। दरअसल जो शुरुआती वजह सामने आ रही है, उसके मुताबिक पता चल पा रहा है कि इस वारदात को जो अंजाम दिया गया है वो घरेलू विवाद के चलते दिया गया है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक समेत फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो बलिया के बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के देवठी गांव का एक पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर ये वारदात सामने आई है। बलिया से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एक शख्स ने अपने दो बेटों को मौत के घाट उतारा है और साथ ही साथ पत्नी की भी हत्या कर दी है। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद व्यक्ति ने खुद आत्महत्या कर ली है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिनकी हत्या की गई है उसमें से एक बेटे की उम्र 7 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरे की 4 महीने। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज राय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनोज, दिल दहला देने वाली घटना है, तीन हत्याओं को अंजाम देने के बाद व्यक्ति ने खुद आत्महत्या कर ली है, क्या कुछ वजह रही है? क्योंकि शुरुआती जानकारी जो सामने आ रही है उसमें यही पता चल पा रहा है कि घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। मनोज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मुझे लगता है मनोज से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये खबर सामने आ रही है, चौंका देने वाली खबर, क्योंकि एक साथ तीन हत्याओं को अंजाम दिया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद खुद भी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन जिन दो बेटों की हत्या की गई है उसमें एक बेटे की उम्र 7 साल बताई जा रही है, जबकि दूसरा मासूम सिर्फ 4 महीने का था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया और साथ ही साथ पत्नी की भी हत्या कर दी। और जब तीनों की हत्या कर दी उसके बाद खुद आत्महत्या की गई इस शख्स की। मनोज, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल मनोज, देखिए जो दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, एक साथ तीन हत्याएं और उसके बाद खुद आत्महत्या कर ली गई है, क्या कुछ शुरुआती वजह रही है? जी, आपको बताते चले कि बलिया में देवड़ी गांव का मामला है, जहां
7 साल पहले शादी हुई थी और शादी के 1.5 साल बाद पति पत्नी बाद हो गया था, जिसके बाद माननीय न्यायालय ने मुकदमा भी चला और मुकदमा के बाद से लगभग 2 साल पहले जो बताया जा रहा है कि कोर्ट से आपसी समझौता के बाद पति पत्नी फिर एक साथ रहने लगे थे, लेकिन आज बीती रात को मुर्गा बनाने की बात सामने आ रही है कि पति कहीं मुर्गा बना रहा था और उस बीच पत्नी से विवाद हो गया, जिसमें वह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा, जिसके बाद पत्नी जो है अपने मायके में भी फोन करी है, मायके वालों ने पुलिस को इत्तला की कि मारपीट कर रहा है अपने पत्नी के साथ, इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां 4 साल का 4 महीने का मासूम शव के रूप में पड़ा हुआ था, वहीं 7 साल का बेटा भी धारदार हथियार से पेट काटने के बाद उसकी भी मौत हुई थी और बगल में मां का भी शव पड़ा हुआ था। लेकिन पुलिस जब आरोपी पिता की तलाश करने में जुटी तो देखा गया कि वह भी पेड़ के ऊपर फंदे से लटक रहा था। परिजनों के तहरीर पर ही वहां पर पंचनामा हुआ, शवों को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया, लेकिन अब आगे क्या और कुछ मामला है पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। मौके पर पुलिस अधीक्षक भी थे, फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी, लेकिन यह वारदात एक बार समाज को एक दूसरी दिशा दिखाने के लिए मजबूर कर रही है कि कहीं ना कहीं मनोज जिस तरह से घटना सामने आई है अपने आप में चौंका देने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए।